एरिया भी इंडिया का बहुत ज़्यादा, आबादी भी इंडिया की बहुत ज़्यादा, जीडीपी भी इंडिया की बहुत ज़्यादा, तो दूसरी तरफ जो साथ ममालिक है वो तो इसके बिल्कुल पास भी नहीं आ। इंडिया को ना चाहते हुए भी इस खित्ते के जो मसाइल हैं कश्मीर और अफगानिस्तान से मुतल्लिक उन पर दुनिया की बात, खित्ते का बड़ा देश होने के नाते, सार का मेंबर होने के नाते अफगानिस्तान इंटरनेट यूज़र का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इंडिया में इंटरनेट यूज़र 65 करोड़ से भी ज़्यादा, जबकि इन 7 देशों में इंटरनेट यूज़र की तादाद 17 करोड़ थी। यही वजह है कि इंडिया जैसे इंटरनेट यूज़र से कोई भी नहीं बिगाड़ना चाहेगा, चाहे इंडिया को अमेरिका, रूस, चाइना और यूरोपीय यूनियन से ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश क्यों ना करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है साउथ एशिया में इंडिया की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन है, लाइक जीडीपी, पॉपुलेशन एंड एरिया जैसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स में। और क्या होगा अगर साउथ एशिया के 7 कंट्रीज को एक साइड रखकर इंडिया के साथ में कंपेयर कर लिया जाए, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। सच्चे भारतीय हो तो बिना किए देरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सफर। साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका को मिलाकर टोटली 8 नेशंस आते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में रेस्ट ऑफ साउथ एशिया को RSA प्रोनाउंस करेंगे। तो दोस्तों हम इंडिया को एक साइड में रखते हैं और रेस्ट ऑफ साउथ एशिया को एक साइड में रखते हैं और पॉपुलेशन से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2022 में 141 करोड़ पीपल है, जबकि RSA की टोटल पॉपुलेशन 2022 में एस्टिमेटेड 48.73 करोड़ पीपल है। टोटल सरफेस एरिया, दोस्तों इंडिया साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जिसका टोटल एरिया 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि RSA का टोटल एरिया 1.847 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों, 7 कंट्रीज के टोटल एरिया से भी ज्यादा एरिया इंडिया कवर कर लेता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही रीजन्स के डिविजन्स की। तो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आती है, जबकि RSA में 7 कंट्रीज शामिल है। लार्जेस्ट स्टेट एंड कंट्री बाय एरिया, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। RSA का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मोस्ट पॉपुलेटेड दुखने से भी ज्यादा है पाकिस्तान। इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, 24.3 करोड़ पॉपुलेशन इन 2022। RSA का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पाकिस्तान, 22.8 करोड़ पीपल, फॉलोड बाय बांग्लादेश, 16.7 करोड़ पीपल। नॉमिनल जीडीपी की बात पाकिस्तान से भी आगे निकल गई। टोटल जीडीपी 2022 में 3.4 ट्रिलियन US डॉलर्स की है, जबकि RSA की टोटल जीडीपी 925.5 बिलियन डॉलर्स की है। रिचेस्ट स्टेट 1 ट्रिलियन भी पूरी जीडीपी, इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की है 450 बिलियन डॉलर्स। RSA में सबसे ज्यादा जीडीपी बांग्लादेश की है 420 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की जीडीपी तो बांग्लादेश कंट्री से भी ज्यादा है ना गजब की बात। महाराष्ट्र के लिए एक लायक तो जरूर बनता है। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2,313 US डॉलर्स का है। RSA का जीडीपी पर कैपिटा 1,928 US डॉलर्स का है। मोस्ट जीडीपी पर कैपिटा स्टेट एंड कंट्री, इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा दिल्ली का 8,000 US डॉलर्स का है। RSA में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा मालदीव्स का 8,300 US डॉलर्स का है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, जिसके टोटल स्पीकर्स 59.7 करोड़ पीपल हैं। RSA में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है, जिसके टोटल स्पीकर्स 16.7 करोड़ पीपल हैं। उर्दू तो बहुत पीछे है। इंडिया का सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, जिसको 1.12 बिलियन पीपल फॉलो करते हैं। RSA का सबसे बड़ा धर्म और सारा हिंदुइज्म इधर ही है तकरीबन। 1.5 करोड़ पीपल फॉलो करते हैं। रिचेस्ट सिटी बाय जीडीपी, रिचेस्ट सिटी बाय जीडीपी, इंडिया की रिचेस्ट सिटी है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल सिटी है। RSA की सबसे रिचेस्ट सिटी है ढाका, जो कि बांग्लादेश कंट्री की कैपिटल सिटी है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दिल्ली, जबकि RSA की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ढाका। लिटरेट स्टेट एंड कंट्री, इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है केरला, 97.6% लिटरेसी रेट। RSA का सबसे लिटरेट कंट्री है मालदीव्स, 98% लिटरेसी रेट। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन 7,514 किलोमीटर लॉन्ग है। RSA की टोटल कोस्ट लाइन 4,029 किलोमीटर लॉन्ग है। नंबर ऑफ कोस्टल कंट्रीज एंड स्टेट, इंडिया में टोटली 9 कोस्टल स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं।
आरएसए में 4 कोस्टल कंट्रीज आते हैं जिसमें शामिल है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, इंडिया में 658 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जबकि आरएसए में 168 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत ज्यादा ही इंटरनेट यूजर है इंडिया में, तो एरिया भी इंडिया का बहुत ज्यादा, आबादी भी इंडिया की बहुत ज्यादा, जीडीपी भी इंडिया की बहुत ज्यादा। तो दूसरी तरफ जो 7 ममालिक है वो तो इसके बिल्कुल पास भी नहीं आते। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, इसके 8 ममालिक हैं। 8 ममालिक में इंडिया एक तरफ है और 7 दूसरे ममालिक एक तरफ हैं। एक तरफ से मुराद ये कि कंपैरिजन हमने इस वीडियो का देखा है, ये 1987 में ये तंजीम कायम की गई थी और सिर्फ ये जनूबी एशिया के 8 ममालिक पर मुश्तमिल है। पॉपुलेशन की बात की, 141 करोड़ इंडिया और सिर्फ 48 करोड़ दीगर 7 ममालिक में। इसी तरह एरिया की बात की गई, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर इंडिया और 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये जनूबी एशिया के दीगर 7 ममालिक। जीडीपी इंडिया की 3.4 ट्रिलियन जबकि इन 7 देशों की जीडीपी 925 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन से भी कम, यानी कि इन 7 ममालिक की कुल मजमूई मईशत से भी इंडिया की मईशत 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। इंटरनेट यूज़र का बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इंडिया में इंटरनेट यूज़र 65 करोड़ से भी ज़्यादा जबकि इन 7 देशों में इंटरनेट यूज़र की तादाद 17 करोड़ थी। यही वजह है कि इंडिया जैसे इंटरनेट यूज़र से कोई भी नहीं बिगाड़ना चाहेगा, चाहे इंडिया को अमेरिका, रूस, चाइना और यूरोपीय यूनियन से ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश क्यों ना करना पड़े। जिस तरह के हमने इस वीडियो में देखा है कि इंडिया की आबादी, एरिया, जीडीपी हर चीज़ इन 7 देशों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे वो सफारती सतह की हो, चाहे वो अपने हमसायों को अपने साथ मिलाने की हो। इंडिया को ना चाहते हुए भी इस खित्ते के जो मसाइल हैं कश्मीर और अफगानिस्तान से मुतल्लिक, उन पर दुनिया की बात सुननी होगी। ये क्या बात हुई कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका था तो इंडिया को अफगानिस्तान में अपना फ्यूचर भी बहुत ब्राइट दिखाई देता था और इंडिया की इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर में थी, लेकिन जो ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला इंडिया भी निकल गया। इंडिया अफगानिस्तान में जब अमेरिका था उस ज़माने में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हमने एक ऐसा डैम भी देखा है जिसे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, उसमें इंडिया ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो ही अमेरिका वहाँ से निकलता है इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो जाती है कि वो सिर्फ 50 गेहूं के ट्रकों पर आ जाती है जो तकरीबन 2500 मेट्रिक टन बनते हैं। आज भी अफगानिस्तान उतना ही ज़रूरतमंद है, आज भी अफगान अवाम प्यासे हैं, भूखे हैं और वो इंडिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ देख रहे हैं। खित्ते का बड़ा देश होने के नाते, सार्क का मेंबर होने के नाते अफगानिस्तान में मदद करना इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद इंडिया की जो अफगान खारजा पॉलिसी है वो यकसर तब्दील हो जाए। अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट सिर्फ 7 लाख डॉलर की कुल मालियत की गंदम के बराबर आ गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ये बात ठीक है अपनी जगह कि इंडिया के अवाम ने, इंडिया की सरकार ने अफगानिस्तान के लिए 2500 मेट्रिक टन गंदम भेजी है, अच्छी बात है, बरसता पाकिस्तान ही गई है, लेकिन ये अफगानिस्तान की ज़रूरत को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रही। इंडिया एक कदम आगे बढ़ाए और सही मायनों में इस खित्ते का बड़ा देश होने के नाते, सार्क का मेंबर होने के नाते और सबसे बढ़ के ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के नाते अफगान अवाम की मदद करे। दूसरी तरफ चीन के वजीर खारजा योंग शी अफगानिस्तान और पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करने के बाद भारत पहुंचे हैं और उन्होंने भारत के वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात भी की है। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के ऊपर भी बात की है। जून 2020 में लद्दाख के बॉर्डर पर जो चाइना और इंडिया की फौजों की खून रेत झड़पें हुई थी, उसके बाद से ये चीन के किसी भी आला अहदेदार का ये पहला इंडिया का दौरा है और इसे बहुत मायने खेज करार दिया जा रहा है। इंडिया को चाइना से और भी बहुत एतराज़ हैं, लद्दाख के बॉर्डर की लड़ाई अपनी जगह, पाकिस्तान की जो हमायत की है मसला कश्मीर के मौक़ पर, OIC के तमाम ममालिक की हमायत की है। चीन के वज़ीर खारजा ने उस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है, OIC की कॉन्फ्रेंस से, और मसला कश्मीर में पाकिस्तान और OIC के मौक़ की मुकम्मल हमायत की है। इस बात को लेकर भी इंडिया में शदीद गुस्सा पाया जाता है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान में चाइना अपना मुआशी तसलसल कायम कर रहा है अपनी इकनॉमिक पॉलिसी के जरिए उन ममालिक को जिस तरह वो कब्ज़े में ले रहा है, उसके ऊपर भी इंडिया को अच्छा खासा एतराज़ है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।